गर्मी शुरू होते ही बुंदेलखंड में पानी का संकट गहरा जाता है। बुंदेलखंड के बांदा जिले में भी पानी की किल्लत की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी की समस्या को लेकर बांदा में प्रशासन द्वारा कुएं और तालाब बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। इस कड़ी डीएम ने तमाम अधिकारियों के साथ पंचमपुर गाँव पहुँचे, जहाँ उन्होंने तालाब में दीप दान कर लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया। हम लोग नरेनी ब्लॉक के 132 हेक्टेयर के एक पंचमपुर तालाब के किनारे बैठे हुए हैं। पहले तो हम लोगों ने यहाँ बैठ करके तालाब के बारे में जानकारी की, कुछ तालाब कुओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और उसके बाद हम लोगों ने दीपदान किया और उसके बाद पत्थल पे जो कमल का जो पत्ता है उस पर हम सभी लोगों ने गांव देहात की देसी तरीके से शुद्ध खिचड़ी भोज किया गया। तो इसका उद्देश्य केवल यही था कि लोगों को तालाब के किनारे लाना और दीप दान के माध्यम से उनके मन में, सोच में, दिल दिमाग में तालाब के प्रति आदर सम्मान अपनत्व लगाव का एक सोच पैदा करना। मैं कहता हूँ कि मैं लोगों के दिमाग में कुआँ तालाब खोदना चाहता हूँ, वो इसी तरह से खोद रहा हूँ और मेरे पास इस जनपद में 8 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में ऐसा कार्यक्रम करने की एक योजना है जिससे उस ब्लॉक के लोग अपने एरिया के सबसे बड़े तालाब को बारे में उसको जानकारी हो जाए, उससे परिचित हो जाए और उनके मन में तालाब के प्रति आदर सम्मान प्रेम अपनत्व का भाव पैदा हो जाए। एक बार ये पैदा हो जाएगा फिर हमारी पानी की समस्या ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी, क्योंकि लोग फिर तालाब के दीवाने हो जाएंगे, पानी का संरक्षण करेंगे, तालाब पे कब्जा नहीं करेंगे और हमारा जो ये पानी का संकट है हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बांदा प्रशासन पानी की समस्या को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ दिन पहले भी 5 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकाला गया था और जल संरक्षण की शपथ भी लोगों को दिलाई गई थी। उम्मीद है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और पानी को बचाने की कोशिश करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।